रजनीकांत के पास फिल्म का ऑफर लेकर पहुंचे थे। दरअसल रजनीकांत को फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत शानदार लगी थी, बावजूद इसके इन्होंने फिल्म में काम करने से साफ मना कर दिया और इसके पीछे की वजह राजकुमार थे। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर राजकुमार के गुस्से को लेकर कई किस्से स्टार्स शेयर कर चुके हैं। यहाँ तक कि भरी पार्टी में एक बार सलमान खान को भी राजकुमार ने डांट लगा दी थी। इनकी पर्सनालिटी भी ऐसी थी कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाया करते थे। देखकर ऐसा लगता था मानो कोई ऑफिसर आ रहा है। ऐसे में रजनीकांत का भी यही सोचना था कि उन्हें गुस्सा आ गया तो वो क्या करेंगे, कैसे बचेंगे। बस फिर रजनीकांत ने इसी डर के मारे उनके साथ फिल्म करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में राजकुमार के गुस्से के डर से रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए मेकर को मना कर दिया और फिर रजनीकांत के मना करने के बाद राजकुमार के साथ इस फिल्म में नाना पाटेकर को साइन किया गया था। उन्होंने फिल्म में काम किया और अपने अदाकारी से भौकाल काट दिया था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। साउथ का एक ऐसा सुपरस्टार जो बॉलीवुड के एक स्टार से खौफ खाता था। डर इतना ज्यादा कि इस सुपरस्टार ने बॉलीवुड के इस एक्टर की फिल्म को करने से मना कर दिया था। बता दें जिस साउथ सुपरस्टार के बारे में हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के थलाइवा कहे जाने वाले रजनीकांत हैं। जी हाँ, साउथ मेगा स्टार रजनीकांत अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर के चर्चा में बने हुए हैं। फिलहाल हाल ही में लाल सलाम में वो नजर आए थे, जल्दी ही वेटम फिल्म में दिखाई देंगे। आज रजनीकांत ऐसे मुकाम पर हैं जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। रजनीकांत साउथ ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी टॉप स्टार्स की लिस्ट में शामिल रहे हैं। और तो और रजनीकांत ने कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन वो एक बॉलीवुड स्टार से बेहद डरते थे जिसके चलते उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म ही छोड़ दी थी। जी हाँ, ये किस्सा है फिल्म तिरंगा का। ये फिल्म साल 1993 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। फिल्म में राजकुमार ने ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का किरदार निभाया था। हालांकि फिल्म की कास्टिंग के दौरान इंस्पेक्टर शिवाजी के रोल के लिए फिल्म मेकर्स किसी और एक्टर की खोज में थे। इस रोल के लिए डायरेक्टर मेहुल कुमार सबसे पहले